जी हाँ दोस्तों, इस बार काफी हैरानी की बात यह देखने को मिल रही है कि ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरे मुकाबले में भी बांग्लादेश के हाथों हार का सामना करना पड़ा। आप सभी को बता दें दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चल रहे ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच पांच मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के बारे में, जहां दूसरा मैच ढाका के शेर ए बांग्ला स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में बांग्लादेशी गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और मेजबान टीम को शानदार जीत दिलाई। आप सभी को बता दें कि जानकारी के लिए कि ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 121 रन ही बना सका, यानी कि 121, और बांग्लादेश ने आसानी से यह लक्ष्य हासिल कर लिया 5 विकेट रहते हुए। दोस्तों, इस जीत के साथ बांग्लादेश सीरीज में 2-0 से आगे हो गया है। अगर अगला मुकाबला भी जीत लेता है तो ये सीरीज उसके नाम हो जाएगी, जो एक ऐतिहासिक जीत होगी बांग्लादेश के नज़रिए से। बांग्लादेश की जीत के हीरो रहे आफीफ हुसैन, जिन्होंने 31 गेंदों पर 37 रन की नाबाद पारी खेली। मुस्तफिजुर रहमान ने 23 रन देकर 3 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिशेल मार्श ने फिर से दोस्तों एक बार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों पर 45 रन की पारी खेली। एक पात्र ऐसे ही बल्लेबाज दिख रहे मिशेल मार्श, जो यहां पर अच्छे रन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहला मैच 23 रन से गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। एलेक्स केरी और जोस फिलिप्स क्रम से 11 और 10 रन बनाकर आउट हो गए। मिशेल मार्श ने और मोजिस एंजिक्यूस ने 88 रनों तक पहुंचाया, लेकिन हेनरी केस 25 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी तरीके से बिखर गई। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 121 रन ही बनाए थे, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने अच्छा मोर्चा संभालते हुए इसको चेज भी आसानी से कर लिया। जहां दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 6 गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी, सिर्फ मिचेल मार्श को छोड़ के बाकी सभी गेंदबाज, जिसमें एंड्रयू टाई, जाम्पा, एस्टनगर, जोस हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, सबको एक एक विकेट मिला, लेकिन मैच को बचाने में कामयाब नहीं रही। 18वें ओवर की 4थी गेंद पर ही दोस्तों इस मुकाबले को जीत लिया था। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी भी खतरनाक थी, लेकिन बल्लेबाजी में यहाँ पर आफीफ हुसैन और नूरुल हसन ने दोस्तों लास्ट में मोर्चा संभालते हुए, आपको बता दें कि 67 रन यानी कि 67 रन पर ही पांचवा विकेट गिर गया था बांग्लादेश की टीम का। उसके बाद दोस्तों नूरुल हसन और आफीफ हुसैन ने मोर्चा संभाला और एक अच्छी 50 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप खेलते हुए टीम को जीत दिलाई और यह सुनिश्चित कर लिया कि इस बार वो सीरीज जीतने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ बांग्लादेश पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों खिलाफ होता जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले दोस्तों बात करें तो वेस्ट इंडीज से भी दोस्तों ये T20 मुकाबलों में हार गई थी, अब बांग्लादेश से भी लगातार हारती जा रही है। T20 वर्ल्ड कप में सबसे प्रबल दावेदारों में से एक मानी जाती है ये टीम, लेकिन इंटरनेशनल के ऐसे मुकाबले में अगर इनका ऐसा प्रदर्शन रहेगा तो आगे जाके क्या ही इनका दोस्तों दुर्दशा होने वाला आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।